हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है आपके पर्सन की डीपली फीलिंग्स एंड डीपली थॉट्स क्या हैं जो आपके लिए फील कर रहे हैं। रीडिंग टाइम बेस है, कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस है रीडिंग, सो जब भी देखोगे रेजनेट करेगी। जितना रेजनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। एंड अगर आप लोग पेड पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई ईमेल आईडी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ। अपने पर्सन पे फोकस रखें। सो डिवाइन गाइड करें जो व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स में, उनके लिए डीप फीलिंग्स डीपली थॉट्स क्या हैं उनके लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की डीपली फीलिंग्स एंड डीपली थॉट्स। फर्स्ट वी हैव डिसीव 25, पर्सन की एज 25 हो सकती है, ओके। एंड यहाँ से है रेस्ट एंड रिजुविनेशन नंबर 19। एंड नेक्स्ट वी हैव 46 थिंकिंग मैन एंड 17 एक्शन। सो गाइस, इस पर्सन की एज 46 25 हो सकती है, 19 एंड 17 इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। सो गाइस, ये पर्सन जो है एक्शन लेने का सोच रहा है, आप लोगों की तरफ आने का सोच रहा है, ठीक है। इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको डिसेप्शन किया है, पास्ट में चीट किया है इस पर्सन ने। अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपको लेके ओवर थिंक कर रहा है। आपका ब्लैक एंड व्हाइट का कपल है, ठीक है, यिन एंड यांग। आप बहुत अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। ये पर्सन इस टाइम सोच रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को हील कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, लाइक बैलेंस कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, ताकि ये पर्सन बैलेंस हो सके, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है ये पर्सन, जो इस पर्सन ने आपको पास में डिसीट किया है। डेफिनेटली मुझे लगता है आपने इस पर्सन को फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने फिर भी आप लोगों को डिसीट किया है, ठीक है, डिसेप्शन किया है, चीट किया इस पर्सन ने। बट अब स्टिल ये पर्सन आपको सोच रहा है, आप लोगों के लिए आपको देखता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा खास हो, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे हो। ये पर्सन देख रहा है, जैसे इस पर्सन ने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है यहाँ पे, एज अ डायमंड टाइप चीज़ कोई, ठीक है। सो ये पर्सन काफ़ी सोच रहा है उस चीज़ को लेके, अब इस पर्सन ने क्या कर दिया है। डेफिनेटली गिल्ट का कार्ड, गिल्ट है हो रहा है इस पर्सन को, एक्शन लेना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। यस, इस पर्सन ने बहुत बुरी तरह से आपके साथ चलाकियाँ खेली हैं पास में, अब उस चीज़ को लेके ये पर्सन जो है अपने आप को बैलेंस कर रहा है, ताकि आप लोगों की तरफ आ सके। और कैसे आएगी पर्सन आपकी तरफ, उसको लेके काफ़ी सोच रहा है। बेसिकली इन शॉर्ट, ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेने का सोच रहा है, ओके। सो देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की डीपली थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके लिए डीपली थॉट्स एंड डीपली फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स की पार्टनर्स की। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, काफ़ी टाइम के बाद ये मेरी रीडिंग में कार्ड आया है, बहुत टाइम के बाद। 2 ऑफ कप्स, या वेरी नाइस, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। डीपली फीलिंग्स, द लवर्स, वाओ, वेरी नाइस, दिस इज अमेजिंग गाइस। अभी तक तो रीडिंग बहुत पॉजिटिव जा रही है, आई डोंट नो, वेरी नाइस। और देखते हैं क्या फील कर रहे हैं। डीपली फीलिंग्स एंड ओके, द एम्परर, एरिस, डीपली फीलिंग्स एंड थॉट्स मेरे रिवर्स के पार्टनर्स की। नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, गाइस दिस इज अमेजिंग, यू गाइस सी, किंग एंड क्वीन कपल। सो डेफिनेटली गाइज, ये पर्सन जो है आपके साथ एज अ कपल फील कर रहा है, मैं इसको एक साथ रखूंगी, बिकॉज बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो और देखते हैं कुछ कार्ड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपली फीलिंग्स एंड डीपली थॉट्स उनके लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपली फीलिंग्स एंड डीपली थॉट्स। ओके, कार्ड आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जेमिनी इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है, यस, किंग ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेंथ, वन मोर कार्ड, यूनिवर्स के पार्टनर्स की डीपली फीलिंग्स, ओह माय गॉड, ये कार्ड मैं लूंगी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ओके गाइस, ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि आप लोग इस पर्सन के फैमिली मटेरियल की तरह देख रहे हैं आपको, जैसे एज अ वाइफ हस्बैंड परफेक्ट, एज अ परफेक्ट कपल ये पर्सन आपको देख रहा है इस टाइम, कि आप लोग इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सूट करते हो, कंपैटिबल करते हो आप इस पर्सन को, ठीक है, कंपैटिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी है। इस पर्सन को पता है आप बहुत अच्छे से इस पर्सन को अंडरस्टैंड करते हो, बट इस पर्सन ने फिर भी आप लोगों को पास में बहुत बुरी तरह से जो है कोल्ड शोल्डर शो किया। इस पर्सन ने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, डिसीट किया। आपने इस पर्सन की बहुत ज़्यादा केयर की है, बट इस पर्सन ने स्टिल आपको एटीट्यूड शो किया है, एक ऐसा केयरलेस बिहेवियर इस पर्सन ने शो किया है। बट नाउ दे आर ऑल्सो फीलिंग लोनली, ये पर्सन बहुत बुरी तरह से अकेलापन फील कर रहा है, डिटैच फील कर रहा है। आप हो सकता है अपने हस्बैंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, बिकॉज द एम्परर का कार्ड है जो मुझे बता रहा है कि आप लोग यहाँ तो इस पर्सन से मैरिड थे, आपके बच्चे भी हैं, या ये पर्सन, यस,
ये पर्सन आपसे मैरिड था, उसके बाद सेपरेशन हुआ आपका, ठीक है। इस पर्सन ने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा बैड बिहेवियर किया है। अब ये पर्सन जो है वहाँ से आपकी तरफ एक्शन लेने का सोच रहा है, आपसे माफ़ी मांगने का सोच रहा है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लॉयल लगाइज आपके साथ, ठीक है, और आपका सोलमेट है। इस पर्सन को पता है आप लोग एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट की, मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है गाइस। यस, ये पर्सन आपका डेस्टाइन पार्टनर हो सकता है। 10 of cups है, 2 of cups है डेफिनेटली, एंड यहाँ पे लवर्स का कार्ड है जो मुझे बताता है कि ये पर्सन आपका सोलमेट है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, काउंटर पार्ट है ये पर्सन आपका, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एंड डेस्टाइन पार्टनर है ये आपका, ठीक है। आपके इस कनेक्शन को एंजल की तरफ से प्रोटेक्शन है, ठीक है, ऊपर से डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन है इस कनेक्शन को। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कनेक्शन कहीं जाने वाला है, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेके इमोशनल है। यहाँ पे कप्स के कार्ड आपके सामने हैं और यहाँ पे ये पर्सन आपको ऑफर देना चाहता है, ठीक है, एज अ सॉलिड ऑफर, स्टेबल ऑफर, लाइफ टाइम ऑफर देना चाहता है, बिकॉज ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ बनना चाहते हैं, आपके साथ शादी करके एक लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, आपकी फैमिली हो, आपके बच्चे हों और आप एक प्रोस्पैरिटी अबंडेंस वाली लाइफ जो है स्पेंड करो, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस हो, हारमोनी हो, बैलेंस हो, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक हो। अभी कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी पावर बना रहा है, स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, ताकि ये पर्सन आपसे बात कर सके, ठीक है, बिकॉज दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू यू, ओके। और आपसे माफ़ी भी ये पर्सन मांग सकता है, आपको इस पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है, रिसीव हो सकता है, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन यहाँ पे हैवीली करना चाहता है, पार्टनरशिप करना चाहता है, आपको डेट करने का सोच रहा है, ये पर्सन रीयूनियन करना चाहता है, बिकॉज ये पर्सन के आप लोग सोलमेट हो, ओके, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपको यू नो डेट कर सकता है, ओके, बिकॉज यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस मुझे लग रहे हैं। इस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा पर्सन जो है बुरे टाइम से गुजर रहा है, ठीक है, बट सोच समझ के ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, बिकॉज इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन ने बहुत बुरी तरह से आपके साथ जो है बिहेवियर किया है। अब पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ शायद सच भी ना बोला हो, बट अब ये पर्सन आपसे सच बोलना चाहता है, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहता है। मुझे लगता है पास्ट में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं थी, जो पर्सन ये अब आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहता है, ओके, स्ट्रेंथ बना रहा है, पावर गेन कर रहा है, ताकि ये पर्सन आपको अप्रोच कर सके, ओके। आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो मुझे लगता है, और ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। कुछ लोगों के पार्टनर्स को इस टाइम फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होंगी, ठीक है, कर रहे हैं वो स्टिल, बट ये पर्सन जो है कुछ लोगों के पार्टनर्स को फाइनेंशियली कुछ इश्यूज हैं, बट मोस्टली यहाँ पे पार्टनर मुझे लगता है आप लोगों का स्टेबल है, ठीक है। एक अथॉरिटेटिव ये पर्सन है, काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकता है, शायद आप लोगों का पेज पे सेम नहीं थे पास्ट में, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी कंट्रोल करता था और शायद काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाता होगा आप पे, दैट्स वाई आप लोगों ने इस कनेक्शन को यू नो चला नहीं, आपका एक सेम पेज पे नहीं थे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं आपके इस पर्सन के साथ आपके हों। सो मुझे ये पर्सन सीरियस नहीं लगा, पास्ट में सीरियस नहीं था, बट अब ये पर्सन आपके साथ सीरियस फील हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन आपका सोलमेट है, रीयूनियन करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। इस पर्सन टोटली ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, रिबर्थ चाहता है, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, बिकॉज ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है। ये पर्सन आपको देखता है कि आप लोगों के अलावा इस पर्सन की और कोई भी केयर नहीं कर सकता जैसे आप लोग करते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हो एक दूसरे को, आप काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हो, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के हो। सो ये पर्सन भी अब आपको लॉन्ग टर्म सॉलिड कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है, और डेफिनेटली ये पर्सन देगा, बिकॉज इस पर्सन की डीपली थॉट्स एंड डीपली फीलिंग्स हम देख रहे हैं, ओके। सो चलिए मैं यहाँ से भी देखना पसंद करूँगी कि यहाँ से क्या आता है, डीपली थॉट्स एंड डीपली फीलिंग। और सेकंड बात ये कि कंप्लीशन है आपकी, 10 का नंबर है यहाँ पे, ठीक है, 10 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन, आपकी डेफिनेटली इस पर्सन के साथ कंप्लीशन है, ओके। फैमिली बनेगी आपकी इस पर्सन के साथ, या तो अगर पहले फैमिली थी रिकॉन्सिलिएशन होगी, ठीक है, अगर आप इस पर्सन से मैरिड थे, और अगर अब तो अब ये आपकी इस पर्सन से शादी होगी, अगर आप भी सिंगल हो ये पर्सन भी सिंगल है, ठीक है, ओके। यहाँ पे अवेयरनेस, तो इस पर्सन को काफ़ी अवेयरनेस हो रही है गाइस, इस पर्सन का क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, हो सकता है आप लोग भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि आपका रीयूनियन हो, और ये पर्सन भी मैनिफेस्टेशन कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन के आप देख सकते हो यहाँ पे जो है इस पर्सन का ब्रेन, उसके ऊपर कैसे ये राउंड सर्कल्स है, सो इस पर्सन को काफ़ी अवेयरनेस हो रही है, पास्ट में जिस चीज़ों को ये नहीं समझा, अब इस पर्सन को अंडरस्टैंड कर रहा है, बिकॉज ये सोच रहा है बहुत ज़्यादा, थिंकिंग मैन का कार्ड है गाइस। मैं यहाँ एनर्जीज की बात कर रही हूँ, जेंडर कुछ भी हो सकता है। पैशन इग्नाइटेड, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन आपको लेके, न्यू फ्रेश स्टार्ट करने का सोच रहा है, ये करना भी चाहता है, फीलिंग्स, बिकॉज फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं, ठीक है। इस पर्सन के हार्ट में फायर लगी हुई है कि आप लोगों से इस पर्सन का रिकॉन्सिलिएशन हो, आपसे बात करे ये पर्सन, ठीक है, बिकॉज जब किसी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ जाते हो, उसके बाद आपको पिछले पर्सन की जो होती है रियलाइजेशन होती है वर्थ एंड वैल्यू होती है कि आपने ये क्या कर दिया, ठीक है, और फिर वहाँ से ही पर्सन का रिकॉन्सिलिएशन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक्सेप्ट करो ना करो वो चीज़ होती है।
विस्डम. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज, इस पर्सन को काफ़ी समझ आ रही है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो है नॉलेज इस पर्सन को मिल रही है. या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, ठीक है, या काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है मुझे लगता है ये पर्सन. वैसे भी कुछ मुझे लगता है ये पर्सन वैसे भी मेच्योर है आपसे, ठीक है, इमेच्योर मुझे नहीं लग रहा है. यहाँ पे बहुत कम लोगों के लिए इमेच्योर होगा, मोस्टली यहाँ पे आपके जो पार्टनर्स हैं, लवर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्हें खुद पता है कि उन्हें क्या करना है. लेकिन रिलेशनशिप की जब अपनी बात आती है तो किसी को भी सही से उस पर वर्क करना नहीं आता. दूसरों को तो एडवाइस बड़ी अच्छी सब दे लेते हैं. आप भी एग्री करोगे इस बात से. तो अब ये पर्सन को काफ़ी विस्डम मिल रही है, वैसे भी इस पर्सन को काफ़ी नॉलेज भी है. नंबर फोर गाइस, फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है. ये पर्सन आपके साथ घर बनाना चाहता है. यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास कार्ड है. ये पर्सन आपके साथ एक अच्छी फैमिली बनाना चाहता है, जहाँ पे आप आपका अपना घर हो और आपको कोई भी आप बहुत हैप्पीली टाइम स्पेंड करो, क्वालिटी टाइम ये पर्सन आपके साथ स्पेंड करना चाहता है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, टिल द लास्ट ब्रेथ. या सो ये पर्सन का यहाँ पे आपके हैवीली चांसेस हैं इस पर्सन से मैरिज के, बिकॉज ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता है, ठीक है. आप ट्विन फ्लेम भी हो सकता है आपका कनेक्शन, और हायर लेवल ऑफ सॉलमेट भी हो सकता है. दोनों फीलिंग्स मुझे यहाँ पे आ रही हैं. पेशेंस, बट इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा है इस पर्सन ने, और इस पर्सन को बिलीव है कि जो इस पर्सन ने सबर किया हुआ है उसका डिवाइन इसको ज़रूर फ्रूट देगी. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है थ्रोट चक्रा. यस, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू यू. या ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है. जो भी इस पर्सन ने आपसे पास्ट में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं किया, आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आप क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहता है. और अब ये पर्सन जो बोलेगा सच बोलेगा. जो पर्सन में पास्ट में झूठ बोलता रहा है, आप झूठ नहीं बोलेगा और आपने सुनने भी नहीं है झूठ, मैं आपको क्लियर बताऊँ, ठीक है. यहाँ पे थ्री ऑफ पैंट्स का कार्ड है, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस. ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, बिकॉज एक्शन का यहाँ पे कार्ड है. ओके, सो गाइज, ये आप लोगों की रीडिंग थी. टाइम मैं यहाँ पे चेंजिंग ये पर्सन डेफिनेटली चाहता है, बिकॉज 555 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 555 इज द नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज का नंबर है. तो ये पर्सन चेंज चाहता है. 5 days, 5 weeks, 5 months में ये पर्सन आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, ठीक है, कर सकता है. हार्मनी बनाना चाहता है, 2 नंबर है यहाँ पे. यस, ये पर्सन हार्मनी बनाना चाहता है, बैलेंस बनाना चाहता है. यस, सो गाइज, आप लोग मैनिफेस्टेशन करते रहो, वेट नहीं करना, अपने आप पर फोकस करना है और सरेंडर कर दें, ठीक है. सो डेफिनेटली जितना पीछे भागोगे आप लोग इतना टाइम डिले होगा. और वैसे भी मुझे लगता है आप लोगों ने पास्ट में जो इस पर्सन को चेज़ करते थे वो आपने इस पर्सन को चेज़ करना छोड़ दिया है, ठीक है. ये पर्सन भाग रहा था, आप उसके पीछे भाग रहे थे, अब आपने पीछे भागना बंद कर दिया. इस पर्सन को वो चीज़ ट्रिगर कर रही है कि आप लोग कहाँ पर गायब हो गए, ठीक है. सो आपने ऐसे ही गायब रहना है, खुद पर्सन रिकॉन्सिलिएशन करेगा. मुझे लगता है पास्ट में आप बहुत भागते रहे हो इस पर्सन के पीछे, लेकिन ये पर्सन आपसे उतना ही भागता रहा है. सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में या किसी भी कनेक्शन में सॉलमेट भी यही होता है, हायर लेवल ऑफ सॉलमेट में. सो आपने चेज नहीं करना गाइस, पीछे ना पड़ें, बिकॉज जितना पीछे पड़ोगे उतना काम डिले होता जाएगा. पेशेंस बना के रखो, सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, एंड सब कुछ बहुत अच्छा होगा. ओके, पॉजिटिव रहना है. सो गाइज, दिस इज योर रीडिंग. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. कुछ भी रेजोनेट किया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.